हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। तो मैं अभी तैयार हो चुका हूँ। सुबह वर्कआउट करने के लिए गया था, लेकिन क्या हुआ कि रात और सुबह मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गया अपना। तो सुबह मैं उठ भी नहीं पाया, थोड़ा रात लेट सोया था तो फ़ोन चार्ज नहीं था, तो वर्कआउट करने ऐसे चले गए थे। और फिर वहाँ से आके अभी मैं तैयार हुआ हूँ और अभी निकल रहा हूँ मैं कॉलेज के लिए। तो अभी करूँगा मैं काम बैठ कर, राइटिंग का ही, और थोड़ा सा और काम करना है। बाकी एक दो जगह से चल रही है बात, तो आई होप आप सब दुआ करो कि कहीं ना कहीं हो जाए, तो फिर थोड़ी सी और चीज़ें निकल करके आएंगी। चुके हैं लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी अभी थोड़ी थोड़ी खाली है और बैठ कर बस काम करेंगे, और बीच बीच में कभी बोरियत महसूस होगी तो ये बैठे हैं नागार्जुन। यार इसकी शक्ल देखने मिलती है दिन में 4 बार। अब यहाँ मैं लाइब्रेरी आया हूँ तो बैठा मनहूसों की तरह। क्या दिखा रही है, दिखाना क्या दिखा रहा है, दिखाना दोस्त असाइनमेंट लिया था ना वो दिखा। तो पूरी ज़िंदगी यही रहेगी, लड़कियों से असाइनमेंट लियो और लंडों को दियो, लड़कियों से असाइनमेंट लियो और मेल टीचरों को दियो, ये काम करियो। हमें कोई और काम है ज़िंदगी में इसके अलावा? है ज़िंदगी बहुत अच्छी है। क्या पढ़ाई? पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो जो बीच में से तू एक वो क्या कहते हैं बाजरे का बीज बोकर जो एक पौधा निकालता है बीच में से, उसका है क्या है? लाइफ का फन है वो। यहाँ बेंच लाइफ में जो है नाग आ रखे हैं, सबने फन बिछा रखे हैं, और एक ही है, इनको नए नए फन मिल रहे हैं बेंच। पता ना कौन कौन से फन और कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के ला रहे हैं फन। है जिस दिन बेटा ये वाले फन मिलेंगे उस दिन लौड़े लगेंगे, बता रहा हूँ। ये वाले फन बहुत लाइफ में है, उसे कभी नहीं दिया, तो बस उस वाले फन को सीरियस लेना है। अब इनकी आस्तीन में सांप रह रहे हैं यहाँ, तो आस्तीन में बहन जो आस्तीन ही ना मुझे मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद आस्तीन ही खत्म हो जाएंगी यहाँ। तो सांप तो बहुत दूर की बात रही आस्तीनों में। सांपों को मैंने ऐसे पाला, मैंने ऐसा फन मारा ना कि उसका जहर अंदर जा रहा है, मार रहा है। तो फिर कहाँ है वो जहर? जम गया है जहर उन सांपों का, फर्क नहीं पड़ता सांप कितना काटता है। अच्छा चलो देखो, ये पूरा दिन आज बकचोदी करेगा ऐसे ही, तो मैं बैठा हूँ सुनने के लिए इसकी बकचोदी। मैं अभी अभी निकला हूँ लाइब्रेरी से, और क्या कहते हैं ये हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे क्लास में साथ से तस्वीर आ रही है। तुम जब भी मिलो यहीं मिलो मुझे, बाकी कहीं मत मिल लियो। लाइब्रेरी के पास नहीं, लाइब्रेरी के भाई पढ़ने वाले लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, मतलब लाइब्रेरी में नहीं मिलते हैं पढ़ने लिखने वाले। नहीं लाइब्रेरी में आसपास, लाइब्रेरी में। अच्छा लाइब्रेरी के आसपास है जी। चलो आ रहे जा रहे हैं। चलो ये मिशन तुम्हारा ऊपर वाला कंप्लीट करा और लाइब्रेरी के भी घूमने वाला। चलो तो अभी सुबह से जूस पिया था और उसके बाद कुछ खाया नहीं है, तो मैं अभी जा रहा हूँ कुछ खाने, देखेंगे कुछ हेल्दी सा, और उसके बाद फिर वापस आके बैठना है लाइब्रेरी। तो आया हूँ मैं कैंटीन, थोड़ा कुछ क्या कहते हैं सैंडविच या कुछ लेकर के खाएंगे। हमसे मिलना आए हैं मिस्टर मिराज कपूर। नाम क्या तेरा? मिराज कपूर कुछ भी रखा है, कपूर रखते तेरा नाम मेरा मिराज कपूर रख दिया है मिराज कपूर। तो आज काफ़ी दिन बाद उवैस से मिलना हुआ, जामिया आना हुआ। उवैस को मैंने फ़ोन किया, कहा है भाई बोला जामिया फोन की चला रहा हूँ यार। और अभी 4 दिन पहले जो बोल की थी क्या टांगे सुत रही थी, क्या हो रही थी, क्या कुछ हो रहा था ना, किसकी टांगे सुत? अभी क्या कहते हैं 4-5 दिन पहले जब मैंने तुझे कॉल की आने के लिए, तो तूने कुछ बताया क्या कुछ बॉल घिस रही है या क्या हो रहा है पता नहीं, समझ नहीं पाया मैंने ऐसी कोई कन्वर्सेशन। अरे शाम में जब कॉल की थी कि यार अब तो लेट हो गया मैं, क्या कहते हैं वहाँ निकल गया, कहीं निकल गया था ना तू? अच्छा हाँ मैं काम से गया हूँ, टाइम लग जाएगा आने के लिए, मैंने ये नॉर्मल बात की थी, बाकी तुम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते। नहीं नहीं अरे मैं कुछ कहा था तूने कि मेरी बॉल घिस रही है, बॉल दिखाना यार हो या कुछ।
मुझे याद नहीं कुछ ऐसा। क्रिकेट की बॉल जिससे तो क्रिकेट खेलता है मुझे याद ना लास्ट टाइम क्रिकेट कब खेला था। मुझे मतलब याद ना मैंने लास्ट टाइम क्रिकेट कब। वही बात है वही बात है। तो अभी ये चल रहे हैं हम, तुम दस्तरखान है, भूख लग रही है, मैं तो खा चुका हूँ सिर्फ तुझे खाना है, तो बाकी चल खाने के बाद में बैठते हैं। और ये वैसे तो कहते हैं पॉलिटेक्निक लॉन है और इसमें फ़ोटो शूट और ये पूरा मेला चल रहा है। तो ये सब मतलब वही है छपरी गैंग, पूरी पूरे जामिया का जो एक छपरी कम्युनिटी पाई जाती है वो यहीं पॉलिटेक्निक में पाई जाती है। ये सब वही है, कहीं फ़ोटो शूट चल रहा है, कहीं खेल रहे हैं, कहीं कहीं कुछ ना कुछ सब जगह चल ही रहा है। चलो अच्छा है। एंट्री दस्तरखान पर देखे, लेकिन मेरा जैसा टैलेंट मैंने देखा नहीं। कान देखो फोन पर और ये खा रहा है ये खाना। वाह भाई वाह। तो अभी अभी मगरिब की नमाज से फारिग हुए हैं तो बैठा हुआ था लाइब्रेरी, उसके अलावा अभी लाइब्रेरी जा रहा हूँ और थोड़ा सा काम बचा है वो करूँगा, लेकिन शायद आई थिंक थोड़ा लेट हो जाऊँगा। तो अभी पता नहीं है किस टाइम घर जाया जाएगा, लेकिन हाँ अभी बैठ के काम करूँगा। तो भैया घर आ गए हैं और घर आके हमने बनाना शुरू किया है चिकन। तो अभी ये चिकन हो रहा है फ्राई प्याज के साथ और गरम मसाला रखा है ये, सॉरी अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है ये, उसके बाद में टमाटर ये, और उसके बाद में डलेंगे फिर इसमें मसाले। तो चलिए आइए बनाने के बाद में आपको बताते हैं कैसा बना है। तो अब इसमें डाल दिया है हमने हरी मिर्च और टमाटर और बाकी इसको अभी बन रहा है तो इसमें अभी डलेगा दही। दही डलने के बाद में इसको ढक देंगे और कम से कम 10 मिनट पकने देंगे और 10 मिनट पकने के बाद में डालेंगे इसमें मलाई। तो मलाई डाल के 5 मिनट बनाएंगे और उसके बाद में सर्व करेंगे सीधा, ठीक है। तो ये रेडी है हमारा चिकन, बस इसको उठा के अभी सर्व करना है। और ये देख रहे हैं आप, तेल आ चुका है ऊपर और बहुत शानदार बना है। क्या है ये? फ्रेंच फ्राइज। क्या ले रहा है फ्रेंच फ्राइज? किसी दिन खिलवा भी दे भाई। आपको आज तो उठाया जाएगा। हाँ उठा खिलवा दे। अरे परसों उसने उठाया आगे। Oh,